आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती एवं इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस ग्राम पंचायत बेनेगांव में मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एवं इंदिरा गांधी जी की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण कर वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया गया। युवा संगठन के अध्यक्ष रवि नारनौरे ने बताया, आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए गुस्से से अपनी आंखों को लाल होने दीजिए और हो रहे अन्याय का सामना अपने मजबूत इरादों से कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। एक महिला आयरन लेडी जिसने भारत का नक्शा बदल दिया, जिससे अमेरिका भी लोहा मानने पर मजबूर हो गया। दुश्मनों ने घुटने टेक कर हथियार के साथ समर्पण कर दिया, जिसकी खून की एक एक बूंद ने भारत को जीवंत कर दिया। उस नारी शक्ति स्वरूप दुर्गा को उनके बलिदान दिवस पर सत सत नमन। युवा संगठन के सदस्य पराग उके ने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और साथ ही देश की आज़ादी के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी लौह इच्छा शक्ति के कारण भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में रवि नारनौरे, पराग उके, जीतू कबीरे, हमेन बुड़ावने, शिव बुड़ावने, संदीप पिलारे, विनोद नारनौरे, विजय नारनौरे, तेजराम नारनौरे, गुलशन नारनौरे, इन सभी की उपस्थिति रही। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए किरणापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भीमटे की रिपोर्ट।